आज मैं बनाने जा रही हूँ एलोवेरा जेल का लड्डू। ये देखिए, ये फ्रेश एलोवेरा जेल है जो मैंने अपने ही घर के प्लांट से जेल निकाला है फ्रेश। इसका हम लड्डू बनाएंगे। इसके लिए आप दो मोटा पल्प, मतलब कि दो मोटा प्लांट्स ले सकते हो पत्ता, चाहो तो तीन भी ले सकते हो, लेकिन मेरा काफी मोटा था तो मैंने तीन लिया है घर के। उसके लिए चाहिए आपको इंग्रेडिएंट, 1 कप गेहूं का आटा, शक्कर का पाउडर। इसके बदले आप चाहो तो गुड़ भी यूज कर सकते हैं आप, विच इज वेरी हेल्दी। मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक किशमिश, आप चाहें तो अपने अपने पसंद से दूसरी किशमिश भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट मैंने लिया है, मैंने बादाम एंड ये काजू लिया हुआ है। आप चाहो तो अपने एज पर योर चॉइस आप दूसरे नट्स भी ले सकते हैं। और ये है घर का बना हुआ घी जो हमको बनाने के लिए चाहिए, ये मेरा मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें मैंने यूज किया है घी, ये घी मैंने लिया है 150 ग्राम। आप चाहें तो अपने हिसाब से जितना आपको जैसा बनाना हो उस हिसाब से आप घी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल। अब इसको पकाना है, मीडियम आंच रखना, मीडियम आंच पर करके इसको पूरा पकाना है। एलोवेरा जब पूरा पक जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी गेहूं का आटा। एक बार गेहूं का आटा अच्छे से भून जाएगा, जैसे कि हमें बेसन का लड्डू के लिए भूनते हैं बेसन वैसा, उसके बाद शक्कर का पाउडर एंड ड्राई फ्रूट वो सब मिक्स करना है फिर लड्डू बांधने के लिए। अभी हमको ये देखेंगे आप, ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, ये पूरा एकदम वाटरी फॉर्म में हो जाएगा। इसको अच्छे से पकाना है घी में। एक बार इसको पक जाएगा, देखिए अभी तक ये मेल्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। आप चाहो तो क्रश भी कर सकते हो उसको मेल्ट करने के लिए। अच्छे से क्रश हो जाए तो फिर हम डालेंगे गेहूं का आटा, उसको अच्छे से भूनना है धीमी आंच पे करके। ये एलोवेरा जेल का लड्डू मैं इसको फर्स्ट टाइम नहीं बना रही, मैं इससे पहले भी बना चुकी हूँ एंड इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी होता है। आप अपने बच्चों को खिला सकते हो, अपने आप खा सकते हो, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए जितना डाइट कंज्यूम करें बेनिफिट है, उतना ही ये लड्डू भी काम करता है, फायदे करता है। ये देखिए पूरा लिक्विड जो भी था हो गया, एक जो आप ये जो ऐसा आपको दिख रहा है ना, जो पल्प दिख रहा है, जैसे कि हम आटा करके जब इसको रोस्ट करेंगे ना तो रोल आटे के साथ ये पूरा ये हो जाएगा, मैश हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और आप मेरे घी पे मत जाना प्लीज, बिकॉज मेरा घी है ना जो घर का घी बना हुआ था, तो लास्ट में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक था तो वो मैंने डाल दिया। तो आप लोग लेना तो प्योर मतलब अच्छा घी लेना। अभी मैं डालूंगी आटा, मिक्स करूंगी। अभी देखिए ये मैं गेहूं का आटा डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसको अच्छे से मिक्स करना। अभी जिसको भूनना है, फ्राई करना है, जैसे कि हम बेसन का हलवा जब सॉरी बेसन का जब लड्डू बनाते हैं उसको ना धीमे धीमे आंच पे भूनते हैं, वैसे इसको मीडियम आंच पे भूनना है। मैं अब इसको आज को मीडियम करके अच्छे से फ्राई करूंगी ताकि इसकी खुशबू आ जाए कि पक गया है। उसके बाद जैसे ये फ्राई हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर हम शक्कर का पाउडर या जो आप चाहे तो गुड़ डालना है वो भी डाल सकते हैं, बाकी का सामान डाल के फिर लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए
अब मैं इसको भूनूंगी, इसको रोस्ट करना है मुझे और अच्छे से पकाना है ताकि पूरी तरह से अच्छे से पक जाए। अब धीरे धीरे मैं इसको फ्राई करूंगी। इसको मिक्स करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। आप छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा, जल सकता है नीचे, तो आपको इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। जो ये स्पून का भी है ये भी निकालना है ताकि कुछ भी चीजें नहीं हो। मैं थोड़ा सा गैस स्लो कर देती हूँ और मैं इसको फ्राई करूंगा, धीरे धीरे पकाऊंगी। इसको बनने में टाइम नहीं लगता है, एक बार आटे का ये अच्छे से फ्राई हो जाए ना तो लड्डू बनने के लिए और पकाने के लिए टाइम मिला। आप चाहें तो थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटी कम करके बना के ट्राई कर सकते हैं ये, लेकिन बहुत टेस्टी है। इसको फ्रिज में रख सकते हैं, अभी जैसे बारिश का मौसम है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। मैं तो अपने ये बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए ऐसे लड्डू बनाते रहते हैं, कभी अलवेरा लड्डू हुआ, तो बेसन लड्डू हुआ, तो खजूर के लड्डू हुए, तो मेरे भगवान जी भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। अभी देखिए इसको धीरे घी छोड़ेगा ये भी, इसको पॉट होगा। ये देखिए ऐसा आएगा। अभी मेरा हो चुका है, अच्छे से आटा फ्राई हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ करूंगी, गैस ऑफ करके मैं इसमें डालूंगी शक्कर का पाउडर सारे, ड्राई फ्रूट, ब्लैक किशमिश। इसमें शक्कर का पाउडर थोड़ा सा और मीठा अपने हिसाब से, जितना आपको मीठा पसंद है। ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं, मैं हल्का मीठा खाती हूँ तो मैं थोड़ा सा हल्का बनाऊंगी। अब इसको अच्छे से मैश करेंगे सबको, अब ये सबको मैं अच्छे से मैश करूंगी, मिक्स करूंगी इसको, सब मिक्स करके। और ये गुनगुना हल्का सा, एकदम ठंडा नहीं होने देना, हल्का सा गरम रहे ना तो ही इसका लड्डू बनाना स्टार्ट कर देना। अगर आप इसको एकदम कूल कर देंगे ना तो लड्डू बाइंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसमें एक चीज और डाल सकते हैं जो कि मैं बताना भूल गई थी, गोंद, खाने वाला गोंद। आप चाहे तो उसको डीप फ्राई करके क्रश करके उसको भी मिला सकते हैं, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, ये सब चीजें भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है घर का बना हुआ लड्डू। अब मैं इसको अच्छे से मैश करके थोड़ी देर इसको रेस्ट करने दूंगी, बिकॉज ये बहुत अभी गर्म है, लाइक लड्डू बाइंड करने में बहुत ज्यादा हो रहा है। सो थोड़ा सा हल्का गर्म हो, ठंडा हो जाए तो लड्डू बांध देना स्टार्ट करते। ये देखिए अब सब अच्छे से मिक्स हो गया है, शक्कर था उसको भी अच्छे से मैश, इसमें पूरा मैश कर दिया है। अब हम इसको लड्डू बांधेंगे, बिकॉज ये हल्का वार्म है। अब मैं इसको लड्डू बांधती हूँ, साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं।
ये हमारा लड्डू तैयार हो गया। ये देखिए लड्डू, टेस्टी टेस्टी लड्डू। प्लीज ट्राई एट योर होम एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा ये मेरी रेसिपी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर मैंने कुछ स्टार्टिंग में बहुत सारे मिस्टेक किए होगा बोलने में, उसको इग्नोर कीजिए, अच्छी अच्छी बातों को एक्सेप्ट कीजिए और हमारे चैनल को अपना ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए, यू नो, टू ग्रो माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस एलवेरा का लड्डू, टेस्टी टेस्टी यमी यमी।